सब जनन का राम राम पहुँचे हैं बुंदेलखंड की नहीं है कि वीडियो में आप सब जनन को बहुत 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 स्वागत है। और इतना पे हम गाना लगा रहे बैठ के, फिर लगे हैं कजू काम में। और उर भी आई थी तो उनने पूरे कमरा में मूँगफली के छिकला छिकला फैला दे काम बढ़ा दो। और हम उनसे कह रहे थे कि जहाँ बैठ के खा रही हूँ तहीं पर रखा जाओ, उसे भी खड़ी होकर फेंक फेंक के चारों तरफ फिर कर रही थी खाबो पीबो अपनों। और अब अनमोल जा रहे हो ना छोड़न, और झाड़ू पहुँचा वो तो लेकिन अजय आई सुनने मूँगफली हम ना दें सुनने पूरे कमरा में फैलाई तो फिर से झाड़ रहे। और हम जो लगातार एक कमरा झाड़ रहे तो पूरे एरिया झाड़ दो, वैसे भी कौन सा बहुत बड़ो घर है तो हमें लगातार पूरे झाड़ दो। तो ऐसे झाड़े के बाद हम आंगन झाड़ दे रहे और फिर किचन झाड़ के लिए आए। वैसे किचन में कचड़ा तो नहीं है, कहा से झाड़ू वाड़ू तो पहले से लग चुकी थी, वो तो आप लोगों ने अलग देख रहे हो कि बिल्कुल कचड़ा नहीं है। और कल जो शाम के सब्जी ले आए थे तो हम सब्जी रख नहीं पाए थे निकाल के, तो अभी हमने सब्जी अब्जी भी रख दी थी निकाल के फ्रिज में नहीं रखी। अब कैसे सब सब्जी ऐसी होती कि मुरझाने नहीं होती, फिर हमने कही चलो जब फ्रिज साफ करें उनके बाद देखें टाइम मिले तो सब्जी रख दे है। तो जैसे कि घुइयाँ और आलू होते तो हमने भी तो स्टैंड में रख दे थे, और फूल गोभी और मूली और मूली के पत्ता आती तो फिर भी फ्रिज में रख देती। और इतना पे जी अनमोल भी जैसे शैम्पू वैम्पू लिए तो ऊँची पड़ जाती तो फिर साइड में भी टांग दी। तो हमने इनके पापा से कही ऐसा करो हम तो दे जा रहे शैम्पू, तो पूरी एक लाइन में शैम्पू शैम्पू टांग दी। एक लाइन में जैसे क्रीम वाले पाउच है तो भी टांग दो, फिर एक लाइन में ट्यूब वाले पाउच हैं क्रीम एक क्रीम की तो बेबी टांग दूँ। तो ऐसे ऐसे पूरी दुकान लगा दे, और बस थोड़ी बहुत जन कुरकुरे वगैरह हैं तो उन्हें अलग साइड में टांग रहे। और जिया वे सामान लेके भी आए बाजार से तो वो भी भरने दुकान ही को सामान है वो। तो आज बना रहे जी मठा डारी घुइयां। तो सब्जी तो घुइयां की बन गई जैसे सादा वाली बना था मसाले वाली, तो बात बन गई लेकिन ना खाने मठा वाली घुइयां तो हमने बवाली बना के रख दी थी तो कह रहे थे रहन दू, अब जवाली हम बनाए ले रहे। तो मैं और कछु काम है तो कर लूँ, तो हम अपने कपड़ा वगैरह गली थी तो भी धोन लगी थी जे बना रहे सब्जी। और जवाली सब्जी ऐसी बनाई जात का है इनने तेल डालू तो भवानिया में तो वीडियो बन गई थी, फिर इनने सोची कि हमसे टच होगा और धोखे से वो टच नहीं हुआ तो वीडियो नहीं बन पाई। तो इनने इवाल ली भवानिया में तिल डालने के बाद जीरे सूखी लाल मिर्च का काट के फिर उनमें डाल दो तू मठा, तो फिर मठा डालने के बाद डाल दो तू पानी। तो पानी उतना डालो जितना खट्टू अपन खा सकते, कोई खट्टू ज़्यादा पसंद है तो कोई खा नहीं रहे, तो अपने हिसाब से मठा और पानी को कॉम्बिनेशन मिला लूँ। और फिर बस जो ना अपन ने घुइयाँ उबाली हैं छील के काट लें बेहू में डाल दें यार, फिर उसके बाद अपनी चॉइस है अगर कोई हरी धनिया डाल लें तो डाल दो, नहीं डाल लें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और गर्म मसालों डाल दो बाद में उबाल आने के बाद, और बस ऐसी सादा सी बनत लेकिन टेस्टी अच्छी बहुत लगत। और इन्हें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है जी मठा वाली घुइयां, अनमोल अभी भी खा लेते बाई चांस हम भी खा लेते लेकिन हमें जो नहीं है कि हाँ बनाने ही हैं। और इनके जो है कि अगर मठा है घुइयां हैं तो जी फिर ज़रूर बनती मठा वाली घुइयां। तो अब वैसे तो हम बना देते लेकिन आज ये कह रहे थे चलो हम बना ले रहे तो मैं काम है, तो आज इन्हें बनाई अनमोल अभी के पापा ने मठा वाली घुइयां, और हमने बनाई अपने लाने सब्जी वाली घुइयां। इनकी रेसिपी आप लोगों ने कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइए। और जवाली भवानियां कछू ज़्यादा जल्दी गर्म हो गई थी तो हल्की मिर्ची और जीरे थोड़ी ज़्यादा सेक गए बस, और नमक डालने तो हमने नमक बता वो भूल गई थी हमने नहीं बताओ, अब इनको नमक डाल वो देखो तो हमें याद आ गई। तो नमक तो वैसे भी हर एक चीज़ में पड़त जो अपन नमकीन बनात, और अगर ब्रेड वाली बनाए तो बात अलग है, नहीं तो नमक तो डलते ही है अपने स्वाद के अनुसार। और आज को वीडियो इन्हीं के नाम है पूरी सब्जी रेसिपी रेसिपी सब इन्हीं ने बनाई, हम तो केवल थोड़ी देखे हमने कछु रेसिपी नहीं दिखाई, इन्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा काम बताओ।
और इनके लाने प्लीज थोड़ी बहुत तो लाइक करा ही दियो जी का रेसिपी पसंद आए, और अगर ना आए तो भैया डिसलाइक भी कर दियो, कौन जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो कोई भी है तो वो अच्छी अच्छी सोचत कि आप लाइक ही करो। और ही मैंने कस्तूरी मेथी भी डाली थी, कैसे हम तो हते ही नहीं, हम तो वीडियो देख देख के बता रहे कि क्या क्या डाले तो। और कस्तूरी मेथी एक ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ में अपन डालो, चाहे पकौड़ी हो, चाहे भाजी हो, चाहे दाल हो, चाहे कड़ी हो, मतलब कोई भी चीज़ में डाल दूँ उसे टेस्ट बढ़ जात। और ही मैं उबाल आने के बाद अपन बंद कर दी गैस, और जब अपनी रेडी हो जात मठा वाली गुइयां। और हम का है वीडियो बनाते रहे तो हम बार बार ध्यान देते कि अब बंद करने, अब खोल लें इन्हें, मोबाइल खोलो तो वो खुलो ही रहो। तो बस इन्हें थोड़ी सी रायतू मसालों भी डाल दो, इनमें जैसे घुइया को रायतू बना रहे हो, मतलब रायतू मसालों भी चल जाता, कैसे जो एक घुइया को रायतू भी कह सकते या फिर सब्जी भी बोल सकते, लेकिन वाकई में बहुत टेस्टी बनाई थी इन्हें। और पहली बार हमने नहीं किया सिखाई थी मठा वाली घुइया, हमारी साइड नहीं बना जी। और बस इन्हें गैस बंद कर दी, अब ये ढाँक ढूँक के रख दे, जब इन्हें पेट पूजा करने हुई है तो खान लगे। और बस हरी धनिया डाल दी इन्हें तो और लुक बढ़ गओ, और कैसे सफ़ेद जैसे कि मठा है और हरी धनिया तो ई में तो लुक बने ही आने, और हरी धनिया बहुत ही टेस्टी लगा। तो अभी ले आए थे चाउमीन तो खा रहे सब लोग चाउमीन, तो अब ये कि पहले बना ली हमने वीडियो, हमने कि तुम ले आए तो तुम्हें वीडियो बनवाओ। तो अब थोड़ी फ्री थी और मोलने कर दी संध्या, और अब थोड़ी ठंडक सी होने लगी तो हमने सूजी जाल ढक गया, कैसे अभी का थोड़ी ज़्यादा ठंडक लग रही थी, तो हमने कहा चलो पहले आप लोग से बात कर लें फिर जाल वाल ढक के आए, फिर तहीं से कपड़ा भी उठा लिया है और कपड़ा उठाने, हाँ थोड़ी सामान भी रखूँ तो हमने धूप में आज तो वो भी उठाने, बाल फंस जा साड़ी पहनने में तो वो सामान भी उठाने। तो दो जने जे हैं हम जे हैं, एक को बच्चा का लोग आ जाए तो हमारी हेल्प भी हो जाए, सामान भी आ जाए और एक बार में दोनों काम हो जाए। तो बच्चन का पहले कपड़ा उठा के भेज दें, हम अपने बाकी को ऊपर फट्टी के जन काम है वो करते रहें। और अब अनमोला भी के दो तीन पेपर और रह गए, तो बस थोड़ी बहुत खाना बनना है तो देख लें और वीडियो एंड कर ले रहे तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो का लाइक कर दियो, शेयर करियो, और अब तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं करूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लियो। कल फिर मैंने नई अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लाने गुड नाइट।